पारा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पारतलाई में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। ग्राम पंचायत पारतलाई फिरका कॉलोनी में रखे ट्रांसफार्मर से करंट लगने से गांव के किसान रमेश ठाकुर की भैंस की हुई मौत। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी गजराज सिंह ठाकुर की भैंस की भी इसी ट्रांसफार्मर से मौत हुई थी। ये दूसरी घटना है और बिजली विभाग इससे बेखबर है। और वहीं दूसरी ओर कॉलोनी के बाल बच्चे भी घूमते रहते हैं। अगर बिजली विभाग ने इसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है और इसके जिम्मेदार बिजली विभाग होंगे। बाड़ी से सिटी रिपोर्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। क्या ये भैंस का वो करंट इसी ट्रांसफार्मर से लगा है? हाँ, इसी से लगा है। कैसे लगाई? भैंस जा रही थी, करंट उतर रहा है 5 रोज से, तो मैंने लाइन मैन को बुलाया, कहा भैया इसमें आग जल रही जी। लाइन मैन आया, देख को चला गया तो उसने कुछ नहीं किया। सुबह दिन में देखेंगे, 5 रोज होगा है नहीं, मैं रात को 5 आटे रखे यहाँ जी। भाई मैं भी फिर धीरे धीरे बाल बच्चे फिर धीरे किसी करंट लग जाए जी, वो नहीं आया, आज करंट लग गया इससे। ये भैंस किसकी थी? भैंस भाई लाल रमेश चौधरी। रमेश चौधरी हाँ। और इससे पहले भी गांव वाले बोल रहे हैं वो गैराज सिंह की हुई थी इससे पहले। अच्छा, ये दूसरी घटना है? दूसरी घटना जी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।